भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होना जितना आम बात है, उतनी ही आम बात है एक दूसरे पे छींटाकसी करना, एक दूसरे के विषय में बोलना और फिर एक बड़ी जंग छिड़ जाती है उन दोनों स्टार्स के फैंस के बीच। फिर फलाना के फैंस उनको क्या बोल रहे हैं और उनके फैंस दूसरे सुपरस्टार को क्या बोल रहे हैं, उसके बाद तो इतनी छीहा लेदर होती है कि पूछिए मत। और इस बार इस गिरफ्त में प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव है। खैर इन दोनों की दुश्मनी जग जाहिर है और काफी पुरानी है। समय समय पर ये दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं जो मीडिया में सुर्खियां बटोर लेता है। लेकिन अब क्या हुआ है इनके विवाद में, अब बड़ा बयान प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से आया है। प्रदीप पांडे चिंटू का कहना है कि खेसारी लाल यादव और उनसे जुड़े सभी लोग कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी अपनी तरफ से करते रहते हैं जिसे सह पाना मुश्किल होता है। साथ ही साथ यहाँ प्रदीप पांडे चिंटू ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया से इन बातों को हवा मिलती है। यहाँ पर प्रदीप पांडे चिंटू ने ये भी कहा है कि जो भी बात या प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं, यहाँ प्रदीप पांडे चिंटू ने एक पते की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि कभी भी दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, एक पक्ष की बात सुनकर नीचे वीडियो में कमेंट कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। इस बात की तारीफ तो हम भी करेंगे कि हर बात का दोनों नजरिया देखना चाहिए, एक तरफा किसी भी बात का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वैसे ये भोजपुरी में नया नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के फैंस जितना अक्षरा और पवन ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाए, उतना तो इनके फैंस में इतनी ज्यादा छींटाकसी हुई, इतनी ज्यादा बातों को लेकर छीहालेदर हुई, जो बातें कभी मीडिया में आई ही नहीं उन बातों को भी उछाला गया और फिर उन्हें जानबूझकर मीडिया में लाया गया ये दिखाने के लिए कि किसका स्टार कितना साफ सुथरा है। लेकिन इससे होता क्या है, इससे होता कुछ नहीं है, उल्टा विवादों को और तूल मिलती है और ज्यादातर लोग इसे नमक मिर्च लगाकर ही पेश करेंगे, जब भी करेंगे तो। इसलिए पवन, खेसारी, निरहुआ, प्रदीप पांडे चिंटू, रितेश पांडे और अरविंद अकेला कल्लू, चाहे जितने भी भोजपुरी स्टार सुपरस्टार हैं, उन्हें भोजपुरी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, न कि ऐसे विवादों को तूल देना चाहिए।